पाकिस्तानी क्रिकेटर आसिफ अली का नाम तो आप जानते ही हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट को बड़े योगदान दिए हैं क्रिकेट के इतिहास में। लेकिन अगर बात की जाए आसिफ अली के घर पर आई एक बेहद ही दुख भरी खबर की, तो इसे शायद आप अनजान ना हो, लेकिन हाँ यह सच है कि 19 महीने की उनकी नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया अब हमारे बीच नहीं रही, जिनकी जाने पर इंडियन क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी यानी कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी दुख जताया। जी हाँ, बताना चाहेंगे आपको, पाकिस्तानी क्रिकेटर आसिफ अली की नन्ही सी बेटी जो काफ़ी समय से बीमार थी, कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ रही थी और उनका अमेरिका में इलाज चल रहा था। अफसोस, इस बीमारी से लड़ते लड़ते उन्होंने हर किसी को छोड़ा और अंतिम सांस लेने के बाद आसिफ अली की बेटी, जी हाँ आसिफ अली की बेटी अब नहीं रही। बताना चाहेंगे हम आपको, इसे लेकर जो खबर आई है वो ये है कि शनिवार को इंग्लैंड के लिए वापस आसिफ अली लौट चुके हैं, लेकिन इससे पहले वो अपनी नन्ही सी गुड़िया के जाने पर शोक व्यक्त करते हुए ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए सभी से ये कह बैठे थे शुक्रिया अदा सबका जिन्होंने उनकी नन्ही सी गुड़िया के लिए दुआ किया। आसिफ अली ने लिखा था, मैं दुआ फातिमा को एक योद्धा के तौर पर याद रखना चाहता हूँ, वह मेरी ताकत और प्रेरणा थी। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि मेरी राजकुमारी की आत्मा की शांति के लिए आप प्रार्थना करें। बता दें हम आपको, कैंसर से वो काफ़ी ज़्यादा पीड़ित थी। गुरुवार को फैसलाबाद में पंजाब प्रांत में फातिमा का आखिरी रजूमात किया गया। जानकारी ये भी दे दें आपको इसी के साथ कि सचिन ने इसे लेकर बड़ा ही भावुक कर देने वाला संदेश भेजा और सांत्वना व्यक्त करते हुए आसिफ अली को लेकर अपना दर्द बयां किया। अपने पुराने सपनों को याद कर बैठे सचिन जब साल 1999 में वर्ल्ड कप के दौरान इंग्लैंड में वो वर्ल्ड कप के खेल में जुटे थे और जिम्बाब्वे के खिलाफ वो मैच में शामिल नहीं हो पाए थे क्योंकि उनके पिता कैंसर से ही जूझते हुए उनसे दूर चले गए थे, जिसके लेकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। बता दें सचिन तेंदुलकर ने इस पर संवेदना व्यक्त करते हुए 20 मई को अमेरिका में कैंसर के इलाज के दौरान सबको छोड़ गई नन्ही सी प्यारी सी आसिफ की बेटी को लेकर जो शोक संदेश भेजा है उसमें उन्होंने ये भी बताया कि वो कितने दुखी हैं। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर ने लिखा, परिवार के किसी सदस्य का अचानक चले जाना काफ़ी दुखदायी होता है। आसिफ, उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए सचिन तेंदुलकर ने कहा कि इस तरह के नुकसान अपूरणीय हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपने पिता को साल 1999 में खोया था। घर जब वो लौटे थे तो घर लौटने के बावजूद दुख से वो निकल नहीं पाए थे क्योंकि पिता को खोना कोई आम बात नहीं, इससे उबरने में उन्हें समय लगा था। वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इस दुख की स्थिति में आसिफ को दुख सहने की शक्ति में मिले। गौर करने वाली बात यह है कि इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें वनडे में नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते हुए 22 रन की पारी खेलने वाले आसिफ अली की पहचान बड़ी है। सीरीज में उन्होंने 2 अर्धशतक लगाए थे। आसिफ पाकिस्तान की ओर से 16 वनडे मैचों में 31.09 की औसत में 342 रन बना चुके हैं। इसके साथ अगर उनकी बात की जाए तो 3 अर्धशतक शामिल हैं उनके करियर में, तो वहीं T20 मैचों में उनके नाम 280 रन दर्ज किए जाने वाले खिलाड़ियों में दर्ज हैं। आसिफ अली को पाकिस्तान के वर्ल्ड कप टीम में शामिल किया गया है, जिसके लिए वो वापस अपने काम के लिए लौट चुके हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से तृप्ति की रिपोर्ट।